निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच लगातार मोर्चा खोले हुए है। मंच ने सरकार पर छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मंच ने सरकार को बयानबाजी को बंद करके अभिभावकों के लिए सभी तरह की चार्जेज माफी की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए जल्द सूचना जारी करनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री चाहे तो पल भर में इसके खिलाफ अधिसूचना जारी कर सकते हैं, लेकिन केवल बयानबाजी करके छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अभिभावक मंच प्रदेश सरकार की नियत व नीति का खुलासा करेगा। इसके जरिए प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। इसी के जरिए प्रदेश सरकार की निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ मिलीभगत को बेनकाब किया जाएगा। सरकार ने पहले कहा था कि निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस व अन्य चार्जेस की वसूली की इजाजत नहीं दी जाएगी, परंतु सरकार बयानबाजी के बजाय इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रामक बयानबाजी बंद करें व सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर, अन्यथा अभिभावक मंच एक तरफ सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान को तेज करेगा, वहीं दूसरी ओर आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। आज छात्र अभिभावक मंच की ओर से, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो घोषणा की थी 9 तारीख के बाद, 9 दिसंबर के बाद, और ये ऐलान किया था कि हम तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि निजी स्कूलों की जो मनमानी है, लूट है और जो भारी फीसें हैं उस पर अंकुश नहीं लगता है। ट्यूशन फीस के अलावा जितनी भी तरह के चार्जेज हैं, एनुअल चार्जेज से लेकर सभी तरह के चार्जेज, जब तक उस पर पाबंदी नहीं लगती है। आपको मालूम है इस बीच में एक बैठक जो है शिक्षा निदेशालय ने की थी, संयुक्त शिक्षा निदेशक के अध्यक्षता में, और जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों को बुलाया गया था, और उसमें ये तय हुआ था कि 15 दिन के भीतर जो है पीटीए से बैठकें करके जो है रिपोर्ट दी जाए, तो कल उसका अंतिम दिन है 22 तारीख को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात ये पीटीए हैं ही नहीं स्कूलों के अंदर, जहाँ हैं भी वहाँ पीटीए ने विरोध भी किया है इन फीसों का, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न निजी स्कूल प्रबंधन जो है वो लगातार दबाव बना रहे हैं और पेरेंट्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाकर जो है जो रिजल्ट घोषित हो जाने चाहिए थे, ज़्यादातर स्कूलों के रिजल्ट अभी भी घोषित नहीं हुए हैं जो हो जाते थे अमूमन अभी तक। तो कुल मिलाकर जो है अभी हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से जो सख्ती दिखाई जानी चाहिए वो है नहीं, और दूसरी ओर सरकार जो है लगातार गुमराह कर रही है। शिक्षा मंत्री जो है बयानबाजी करते हैं, सरकार के दूसरे मंत्री इस विषय में बातचीत करते हैं, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल खामोश ही हैं। तो कुल मिलाकर जो गुमराह करने का भी काम हो रहा है, एक दिन जो है बयानबाजी की शिक्षा मंत्री ने कि ये ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीसें नहीं दी जाएंगी, आज उस बात को हुए हुए हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई अधिसूचना नहीं निकली। तो शिक्षा मंत्री को भी ये बयानबाजी बंद करनी चाहिए और जो ठोस काम है वो करना चाहिए। ठोस काम ये है कि अधिसूचना निकालने के लिए 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। अगर वाकई में सरकार गंभीर है निजी स्कूलों पर जो लगाम लगाने के लिए, तो निश्चित तौर से इनको जो है एक अधिसूचना निकालनी चाहिए। और दूसरी बात, जो कानून और रेगुलेटरी कमीशन की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसकी कवायद शुरू करनी चाहिए, उसकी पहलकदमी शुरू करनी चाहिए। इन बातों को लेकर जो लगातार लड़ाई चल रही है, तो आज भी हम इस बात को लेकर अभी आए हैं और ये प्रदर्शन हुआ है, और उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर में हम मिलेंगे भी शिक्षा निदेशक से और ज्ञापन सौंपेंगे, और कुल मिलाकर जो है ये कार्रवाई की हम मांग करेंगे कि सभी तरह के चार्जेस पर पाबंदी लगे और जो कानून और रेगुलेटरी कमीशन है वो स्थापित हो। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।